बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पत्रकारों से कहा कि दिल्ली के हालात सामान्य होते जा रहे हैं। आज कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। गंभीर हालात के चलते बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए हैं, लिहाजा कल से मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच आज एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इसमें वर्ग विशेष के लोगों को पत्थर, लाठी डंडे व हेलमेट लगाते हुए पहचान छिपाने के इरादे से चेहरे पर पाउडर जैसा कुछ लगाते दिखाया गया है। प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों का आंकलन करने के लिए कुल 4 सब डिवीजन में 18 सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को काम पर लगाया गया है। ये सभी अपने अपने इलाकों में क्षति का सही अनुमान लगा रहे हैं। अब तक 69 लोग मुआवजे के लिए क्लेम कर चुके हैं। केजरीवाल ने बताया कि इन सभी लोगों को कल यानी रविवार तक 25,000 रुपए मुआवजा राशि दे दी जाएगी। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हरेक को उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल। इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहां का है ये जांच में, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान बनाया गया है। इस वीडियो में एक वर्ग विशेष के लोगों को दंगे की तैयारी करते दिखाया गया है। भीड़भाड़ वाले इस इलाके में ये लोग पथराव के लिए पत्थर व बाकी सामग्री इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लोगों को हाथ में तेल व पाउडर लगाने की बात कही जा रही है, साथ ही पहचान छिपाने के लिए उनसे हेलमेट लगाने को भी कहा जा रहा है। इस दौरान ये आवाज भी सुनाई दे रही है कि तेल व नमक लगा लिया जाए। ये लोग अन्य लोगों को दंगे के लिए उकसाते भी नजर आ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।